हेलो दोस्तों, मैं सुखमय बाग है और मैं जेके आर्ट फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। जेके आर्ट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस एनजीओ की फाउंडर है गीता वैष्णवी, जो कि कश्मीर से हैं। इनका मकसद यही है कि उन गांव तक, उन बच्चों तक आर्ट की नॉलेज पहुँचे, आर्ट कल्चर के बारे में जाने। तो आज आप फोक आर्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप एक्सरसाइज करेंगे हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से एक हाथ से भी कर सकते हो, जैसे सुबह उठ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसी तरह पेंटिंग करने से पहले हाथों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 बार इस तरह से करें, इस हाथ को भी 2-3 बार इस तरह से करें। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। आंखें बंद कीजिए, पहले धीरे धीरे सांसें लीजिए, फिर छोड़िए सांसें को। ऐसे 2 मिनट तक करना है और आपके माइंड में जो अच्छे ख्याल आने चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। क्या सुबह क्या आपने क्या खाया था, क्या देखा था। धीरे धीरे सांसें लीजिए, फिर छोड़िए। तो सोचा आज क्या बनाने वालों, फिर धीरे धीरे आंखें खोली, रिलैक्स हो गए। अच्छा लग रहा है ना आपको, तो शुरू करते हैं। आज इस पेंटिंग बारे में बताने वाला हूँ। इस गोंड आर्ट की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के गांव से। इनके जो आर्टवर्क है, इन आर्टवर्क में जो आप देख पाते हो, ये सब गांव के आसपास की चीज़ों को उठाया गया और अपने आर्टवर्क में दिखाया गया, मतलब कलाकृति है ना, उसको दर्शाया गया। पेड़ पौधे, मछली, जानवर, जो कि गांव में देखे जाते हैं, शहरों में नहीं होते, आज की डेट में बहुत प्रसिद्ध है। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं ऐसे कामों को देखना, और अपने घर पर लगाते भी हैं। ये धीरे धीरे बहुत ग्रो हो रहा है और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है, और जो आर्टिस्ट हैं इनको और बढ़ावा दे रहे हैं। ये आर्टवर्क पूरी दुनिया भर में फेमस है। तो इस पेंटिंग का इतिहास तो पता चल गया आपको, इसको बनाते कैसे ये आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पेपर, पेंसिल, इरेजर और स्केच पेन। ये आपके पास है अभी, तो पहले आप रेडी कर लो ये सब चीज़ें। तो आज हम बनाने वाले हैं मोर और पेड़। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। पहले यहाँ एक मोर बनाएंगे, सर्कल करेंगे ऐसे करके, फिर छोटा सा एक और सर्कल बनाएंगे। पहले हम मोर का फेस बनाएंगे, इसका लिप्स आएगा यहाँ पे, इस तरह से। थोड़ा चोचिला नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा सा होगा ऐसे। फिर इस तरह से एक और ऐसे लाइन देंगे। तीन दे सकते हो, चार दे सकते हो, पांच दे सकते हो, उससे ज़्यादा मत देना, पांच से ज़्यादा मत देना, ठीक है। अब मोर का बनाएंगे अभी गला, ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक पहले बना लो, फिर मैं आगे बता दूँ। जब आपका यहाँ तक हो जाए ना, तो मोर का यहाँ पंख बनेगा इस तरह से। कितना आसान है ना बनाना। फिर मोर के बनाएंगे पैर इस तरह से, ऐसे लाइन देना दो, एक ऐसे लाइन देना, फिर इस तरह से ऐसे लाइन देना। मोर के 3 पैर होते हैं, मोर के 3 उंगलियां बनाएंगे, 1, 2, 3, ठीक इस तरह से ऐसे ही बनाना है। दूसरे वाले पैर को बनाना, 2 लाइन ऐसे देंगे इस तरह से, देन ऐसे,
अगर आपका ये पैर मोटा है पतला भी कर सकते हो इस तरह से, एक दो तीन, ठीक है। अब मोर के अंदर बनाएंगे डिजाइन ऐसे इस तरह से, ठीक है। एक और लाइन ऐसे आएगा, इधर भी एक और लाइन ऐसे आएगा, अब मोर के पंख पे आते हैं, मोर के पंख पे भी डिजाइन आएगा ऐसे, दो तो लाइन देने इधर से आधा और इधर से ऐसे इस तरह से इस तरह से, फिर यहाँ ऐसे शेप देना कर्व शेप इस तरह से, ऐसे फिर आगे कंटिन्यू करते रहना ऐसे, एक और लाइन सेम इधर, एक और लाइन, फिर यहाँ छोटा सा आएगा, फिर यहाँ एक बड़ा सा आएगा, ऐसे करना पूरा इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। यहाँ तक हो गया। अब बनाएंगे पेड़, इसके पीछे से आएगा मोर के पीछे से इस तरह से, ऐसे इधर से भी एक और देना ऐसे, मोर पेड़ की टहनियां बनाएंगे ऐसे, एक ऐसे लाइन देना फिर ऐसे लाइन देना इस तरह से, ऐसे घुमा देना, ठीक है। फिर इस तरह से ऐसे नीचे आएगा, ये पेड़ की टहनियां नीचे भी होती है ना, बस इस तरह से आपको बनाने, बहुत आसान है, देखो कितना आसानी से मैंने बनाया। अब ऊपर की पैर की ऊपर के पैर की टहनियाँ बनाएंगे इस तरह से, ये पूरा ऐसे जाएगा ऐसे, फिर एक और टहनियाँ इधर से, छोटे बड़े टहनियाँ होते हैं ना ठीक उस तरह से आपको बनाना है। ये ऐसे आया, ये नीचे की तरफ गया और इस तरह से गया, तो एक और टहनी इधर आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे बनाना है, फिर इधर से आया इधर ऐसे, जब आपको यहाँ तक हो जाए फिर यहाँ से ऐसे बनाना, फिर इसको इस तरह से घुमाना, फिर ऐसे घुमाना, फिर ऐसे करके ऐसे ले जाना ऊपर की ओर, फिर इधर से यहाँ से निकालना एक टहनी, फिर एक और यहाँ से, फिर इधर से एक और, वैसे पूरे पेपर में से पेड़ बना देने, फिर यहाँ से ऐसे, चलो यहाँ से थोड़ा सा पेड़ को मोटा कर लेते हैं, जहाँ एक्स्ट्रा लाइन जो बनाया था हमने उसको मिटा देना, जो दो तीन लाइन जो बाहर आ गए कैसे मिटा देना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, फिर एक और टहनी यहाँ से निकालते हैं, आपकी मर्जी तीन चार और भी बना सकते हो, उसको ऐसे मिटा देना, ठीक है। बाकी आपको मैं कलरिंग में समझाऊंगा कि कलर के, जब आपकी ड्राइंग यहाँ तक हो जाए ना इसके बाद हम कलरिंग से करेंगे, जो भी करेंगे सबसे पहले ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग नहीं करना है, ठीक है। इस बार करेंगे कलरफुल पेन से, सबसे पहले लेंगे ग्रीन,
एक काम करते, सारे कलर निकाल लेते हैं। इन सब से पहले लेंगे लाइट ग्रीन, जो कि मोर के फेस पे आएगा ऐसे ऐसे, छोटे छोटे लाइन देने इस तरह से। ज्यादा गैप मत देना, छोटे छोटे गैप देने ऐसे, इस तरह से बनाने। और भी फिल कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब येलो कलर से, येलो से करेंगे। अब येलो लेंगे, ठीक है, यहाँ फिल करेंगे उसके होंठ पे इस तरह से। फिर से लाइट ग्रीन लेंगे, फिर से लाइट कलर लेंगे, फिर से लाइट ग्रीन लेंगे। अब मैं लाइट ग्रीन कहाँ का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो देखो, अब फिर उस तरह से आप भी यूज करना ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में छोटे छोटे इस तरह से। ध्यान रखिए यहाँ से और यहाँ से बाहर ना जाए। बस इस चीज का ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। चलो अब इस्तेमाल करेंगे डार्क ग्रीन स्काई। ये लाइट ग्रीन था, ये डार्क ग्रीन। इधर भी डार्क ग्रीन इस्तेमाल करेंगे ऐसे, जैसे लाइट ग्रीन का यूज किया था, जैसे लाइन चलाया था हमने, ठीक वैसे डार्क ग्रीन का चलाएंगे। आराम से धीरे धीरे ऐसे चलाना है। ज्यादा गैप भी मत देना, पूरा भरा हुआ देखना चाहिए। कलर से जब कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, फील होना चाहिए पूरा इस तरह से। ठीक है, अब हम करेंगे रेड कलर। वो भी कहाँ पे पता है? मोर की पंख पे। ये जो बॉक्स बनाया था ना हमने, इस तरह से ड्राइंग किया था, यहाँ फिल करेंगे इस तरह से। इस बार ध्यान रखिए डायरेक्ट ब्लैक पेन से आउटलाइनिंग पहले ना करें, जहाँ से जो कलर है उसको पहले फिल करेंगे। इस तरह से आपको लाइन देना है, बस ध्यान रखें कि लाइन बाहर ना जाए, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। बस ऐसे हमें सब में फिल करना है। आराम से ज़्यादा वाइड भी ना छोड़े, ठीक है, पूरा फिल करें। मेरे साथ साथ भी चलो, जैसे मैं कर रहा आप भी वैसे ही करो। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा करने में? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा करने में, आपको भी मज़ा आएगा करने में। ऐसे आप फील करो, अच्छे मन से बनाओ, अच्छे अच्छे से कलर से फील करो। फिलहाल रेड कलर से फील करते हैं।
इस तरह से। जब आपको फील हो जाएगा तो थोड़ा वेट करें, पहले मैं फील कर लूँ, क्या पता आपने फटाफट फील कर लिया होगा मुझसे भी जल्दी, किसी ने किया अभी तक? फटाफट करो, ये बात। जो थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो हाथ तेज चलाएं, और जो मेरे साथ चल रहे हैं अच्छी बात है। चलो मेरा तो ये रेड कलर से हो गया मोर का पंख, अब येलो से इस वाइट जगह पे फिल करेंगे। जो थोड़ा पीछे रह गए तो हाथ तेज चलाएं, मेरे स्पीड को पकड़े मेरी तरह, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करें। तो फिर इस वाइट वाले स्पेस पे आपको येलो फिल करना है इस तरह से। ये भी इस तरह से फिल करना है, ऐसे सब जगह पे आपको फिल करना है। जब ये येलो पार्ट यहाँ पे हो जाए तो पैरों पे भी करेंगे ऐसे। इस तरह से आपको फिल करना है। दूसरा वाला येलो मत लेना, ठीक है, ग्रीन वाला मत लेना, येलो कलर। इस तरह से पूरा आपको दूसरे वाले पैरों को भी फिल करना है, समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको पेड़ पर करना है कलर। पेड़ पे कौन सा कलर आता है? ब्राउन कलर। कौन सा कलर? ब्राउन। पूरे ब्राउन कलर में ऐसे फिल करेंगे। व्हाइट का गैप मत छोड़े, इस तरह से मत छोड़े, ठीक है, आराम से धीरे फिल करें। ध्यान रखिए दूसरे लाइन पे ना चले जाए, दूसरे टहनी पे ना चले जाए। इस तरह से आपको फील करना है, ऐसे करते करते नीचे तक आना है। ये वाला पार्ट थोड़ा स्पीड में दिखाऊंगा, जब आपको ये हो जाए फिर आगे बताऊंगा, पहले अब ये वाला पार्ट कंप्लीट कर ले। पहले पेड़ में कलर कर लो, उसके बाद ही बताऊंगा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ,
आप थोड़ा आराम से करें, ठीक है? ये पूरा फील आपको करना है, जहाँ जहाँ टहनियाँ बनाए थे ना पेंसिल से, वहाँ वहाँ फील करना है आपको एक ही कलर से। इस साइड पे आ जाना, इधर ही फील करना। बस ध्यान रखें वाइट के गैप कम हो, एकदम से वाइट में छोड़ देना। जैसे यहाँ वाइट थोड़ा कम है, इतना भी चलेगा, मैं इससे ज़्यादा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम से भी कर सकते हो, ठीक है? इस वाले टहनी पे भी करना, लगे एक और बना सकते हो तो बना लेना, जैसे आपकी इच्छा हो। अब अपने इच्छा से भी कर सकते हो, दो चार टहनी और भी जोड़ सकते हो। इस जगह पर भी और फील करना है पूरा अच्छे से। अगर यहाँ अगर व्हाइट गैप रहे, दोबारा उस पर ऐसे स्केच पेन चलाना तो आपका व्हाइट दिखेगा नहीं। जब मोर के पास आ जाओ तो ध्यान रखें, जब आप मोर के पास आ जाओ तो ध्यान रखना कि इसमें कलर ना चला जाए, ब्राउन कलर। आराम से स्ट्रेट करना, धीरे धीरे इधर फिल करना। फिर इस तरह से आपको फील करना है। फिर यहाँ पे करना है, मोड़ देना आगे, फिर पीछे वाला पेड़ है यहाँ से कंटिन्यू आ रहा है इधर से, तो इधर भी फील कर देना। जब आपको यहाँ तक हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, ब्लू कलर से इस ब्लू से बनेंगे पत्तियाँ, बनाएंगे डिज़ाइन वाले पत्तियाँ। देखो
ऐसे। इस तरह से आपको बनाना, छोटे छोटे बनाना, बड़े बड़े ही बना सकते हो, छोटा यहाँ बना सकते हो, इस तरह से। इसमें कलरफुल पत्तियाँ आएंगी, वैसे पत्ते हरा कलर का होता है ना, तो यहाँ ब्लू कलर से भी कर सकते हो। इधर भी छोटे बड़े फिर छोटा, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। अब अपने हिसाब से बना सकते हो, ज़्यादा देना है कम देना है, ठीक है। ये देखो ऐसे कुछ यहाँ दे देंगे, कुछ यहाँ बना देंगे, ठीक है, कुछ यहाँ आ जाएगा। इधर आ जाएगा। अब डायरेक्ट स्केच पेन से भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे और इस तरह से फिल कर देना। तो पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं तो ग्रीन से भी करेंगे यहाँ पे। इधर भी फिर यहाँ कुछ आ जाएंगे, जितनी भी टहनी है ना वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है, रेड से भी कर सकते हो, ब्लू से भी कर सकते हो, जो कलर आपको अच्छा लगता है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। रेड से करके दिखाऊं तो रेड से यहाँ बनाएंगे, इस तरह से यहाँ बनाते हैं। छोटा बड़ा यहाँ ही बना सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ भी बना सकते हो। इस तरह से आपको पत्तियाँ दिखानी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कहीं कहीं अगर जगह लगता है, कहीं कहीं लगता है कि आपको और ग्रीन पत्तियाँ बनानी चाहिए तो बेशक बनाइए। ठीक है, अब ब्लैक कलर से करेंगे आउटलाइन, मोर की आंख पे पहले करेंगे ऐसे, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, कहीं के जगह पे आउटलाइनिंग करेंगे ऐसे, इस तरह से आप भी ऐसे कर सकते हो। पैर पे आ गया,
इस तरह से दूसरे वाले पैर पे भी गन्ने। ठीक है चलो, पूरा ऐसे अब कर ही देते हैं मोर के ऊपर। अब अच्छा लग रहा है देखने में ना, इस तरह से इधर भी करना है, मोर के पंख पे भी करेंगे। ऐसे जहाँ येलो किया था उस जगह आउटलाइनिंग पे भी करेंगे इस तरह से। ऐसे करके आपको फील करना है, मतलब आउटलाइनिंग करना है। ऐसे करना है, ठीक है। तो ये पेंटिंग हमारा हो गया रेडी। तो आपका कंप्लीट हुआ? मेरा तो कंप्लीट हो गया। ये देखो, मुझे उम्मीद है आपको पेंटिंग बनाते मज़ा आया होगा। आप ऐसे बहुत सारी पेंटिंग बनाओगे। शुक्रिया।